हेलो एवरीवन, आज मैं नसीम जैकिल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। नसीम जैकिल का जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 को मुंबई के महाराष्ट्र में, मुंबई में यानी कि। इनकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी सन 2004 में, मुंबई महाराष्ट्र में ही हुई थी। पेरेंट्स थे इनके मोसेस जैकिल। इनकी एजुकेशन कहाँ पर हुई थी? विल्सन कॉलेज मुंबई में हुई थी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। इनकी पत्नी का नाम था डेजी जैकब और इनकी शादी कब हुई थी? 1952 में। ऑक्यूपेशन क्या था? ये 20th सेंचुरी के इंडियन ज्यूइश पोइट थे। ज्यू कहते हैं यहूदी को। प्लेराइट थे, आर्ट क्रिटिक एंड एडिटर। ऑनर्स कौन कौन से प्राइज इनको मिले? 1983 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और 1988 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। नसीम जैकिल इज एक्लेम्ड एज द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स, और इनको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स का फादर माना जाता है। देखिए, कई बार यही क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनके फादर, किसी भी राइटर का नाम आ जाता है और उसके फादर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इनके फादर एक प्रोफेसर थे बॉटनी के विल्सन कॉलेज मुंबई के, और इनकी माता जो थी वो अपने खुद के एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। और नसीम जैकिल बिलोंग्स टू मुंबई मराठी स्पीकिंग ज्यूइश कम्युनिटी नोन एज द बेन इसराइल, और ये बेन जो मुंबई की मराठी स्पीकिंग ज्यूइश कम्युनिटी थी, बेन इसराइल उससे बिलोंग करते थे। ठीक है, इनकी जो कम्युनिटी थी वो बेन इसराइल के नाम से ये बिलोंग करते थे। 1947 ही अर्न्ड अ बीए इन लिटरेचर एंड विल्सन कॉलेज फ्रॉम विल्सन कॉलेज मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इन्होंने 1947 में बीए की डिग्री की विल्सन कॉलेज मुंबई से। इन नवंबर 1948 ही सेल्ड टू इंग्लैंड। ही स्टडीड फिलोसफी एट बर्कबेक कॉलेज लंदन। आफ्टर 3.5 ईयर्स स्टे जैकिल वर्कड हिज वे होम एज अ डेक स्कबर अब्रॉड अ शिप कैरिंग आर्म्स टू इंडो चाइना। He married Daisy Jacob in 1952 and the same year he first collection of poem titled A Time to Change was published by Fortune Press London. उनकी शादी 1952 में हुई थी Daisy Jacob से, और उसी साल उनकी एक poem publish हुई थी A Time to Change, और किस में publish हुई थी? Fortune Press London में। ठीक है, और एक बात और बता दूं, ही ऑल्सो वर्कड एज ए ब्रॉडकास्टर और आर्ट्स एंड लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो। ये ऑल इंडिया रेडियो में एक ब्रॉडकास्टर की तरह भी काम किया करते थे, और ये एक एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर एंड जनरल मैनेजर ऑफ ए पिक्चर फ्रेम कंपनी फ्रॉम 1954 टू 1959, और 1954 से 1959 तक ये एक एडवर्टाइज कॉपीराइटर थे और जनरल मैनेजर थे पिक्चर फ्रेम कंपनी में। ठीक है, और ये ही को फाउंडेड द लिटरेरी मंथली जंपू इन 1961, और ये 1961 में मंथली जंपू के लिटरेरी फाउंडर थे। ही बिकेम आर्ट क्रिटिक ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया 1964 एंड एडिटेड पोइट्री इंडिया इन 1974। ही वॉज इन्वाइटेड बाय द यूएस गवर्नमेंट अंडर द इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम एंड इन 1975 ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एज अ कल्चरल अवार्ड विजिटर। ठीक है, 1974 में उनको यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइट किया गया इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम में, और 1975 में वो ऑस्ट्रेलिया गए कल्चरल अवार्ड विजिटर के लिए। ठीक, इनको 1983 में जो अवार्ड मिला था, यानी कि साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको 1983 में, ये इनकी पोइट्री कलेक्शन लेटर डे साम बाय द साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, लेटर डे साम के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और कुछ जनरल्स के नाम बता रही हूँ जो नसीम जैकिल के द्वारा एडिट किए गए हैं। पोइट्री इंडिया 1966-7, क्वेस्ट 1955-1957, इम्प्रिंट पोइट्री पेज ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड एडिटर द इंडिया PEN बॉम्बे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। पोइट्री में 1952 में टाइम टू चेंज है, इनकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956 है,
1960 में द अनफिनिश्ड मैन, और 1976 में हिम इन डार्कनेस, लेटर डे साम। देखिए, पॉइंट नोट करने वाला है, द मेजर थीम ऑफ इजाकिल्स वर्क्स आर एलाइनेशन, लव, लोनलीनेस, लस्ट, क्रिएटिविटी एंड पॉलिटिकल पॉम्पोजिटी, ह्यूमन फाइबल्स एंड द किंडर्ड क्लैमर ऑफ अर्बन डिसोनेंस। ठीक, प्लेज थे इनके 1969 में सॉन्ग्स ऑफ डेप्रीवेशन, 1969 में द थ्री प्लेस नालिनी। देखिए 1969 में एक तो आया था सॉन्ग ऑफ डेप्रीवेशन, और 1969 में तीन प्ले और आए थे इनके, नालिनी आई थी जो एक कॉमेडी है, थ्री एक्ट्स की मैरिज पोएम थी एक, वन एक्ट ट्रेजिक कॉमेडी थी जो, द स्लीप वॉकर्स थे, एंड इंडो अमेरिकन फार्स थी। और 1993 में डोंट कॉल इट सुसाइड, हु नीड्स नो इंस्ट्रक्शन। और ये एडिटर थे ये 1964 में, इंडियन राइटर इन कॉन्फ्रेंस, राइटिंग इन इंडिया एंड इमर्सन रीडर्स, ए मार्टिन लूथर किंग रीडर। मार्टिन लूथर किंग रीडर जो है ये 1965 में आया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नसीम इज़ैकिल का डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।